कहाँ हूँ यार? अरे मैं कहाँ हूँ? ए मेरे को लगता है कि तेरा ये बोट वाला आइडिया सक्सेसफुल हो गया, अपन यूएस पहुंच गए। हाँ ये यूएस कैसे पहुंच सकते हैं यार? वहाँ पे तो खाली ब्लैक एंड व्हाइट लोग होते हैं, ये तो सारे ऑफ व्हाइट है। हाँ यार, अपन कराची तो नहीं पहुंच। ऐसा मत कर यार, ऐसी गलतियां हम लोग खाली ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, ऑफ स्क्रीन नहीं। अरे पागल थोड़ी हम लोग तो। अरे तुम मीडिया है? मीडिया वाले क्या बात है? मेरे बाल वाल तो ठीक है ना? क्या बात है यार? हेलो, मैं दो मिनट के सामने जैपनीज टूरिस्ट है यार कैमरे के साथ। इस्माइल इस्माइल केमचो। नहीं इस्माइल इस्माइल तू बैठ जा वहां पे, तेरे को नहीं बोल रहे। कौन इस्माइल? इस्माइल कौन है? वो स्माइल कर रहा है। इस्माइल तू बैठ जा यार। हां ओके इस्माइल इस्माइल केमचो। मैं केदार पटेल और हमें शमी और अच्छा हो गया तुम लोगों को देख लिया। अभी मुझे यकीन हो गया कि हम लोग इंडिया में। तुम लोग को आइडिया ना हम लोग के साथ क्या मालूम है? हम लोग इंडिया में आके पहुंच गए। इन लोगों की शक्ल देख, सबने चोरी का सामान पहन रखा है। अरे सुन, हम लोग है ना, तुम लोग को बताऊं, हम लोग कराची में थे, एक लड़की वहां पे बात बात पे याद है बंदूक निकालती थी यार, बहुत डेंजरस दिखा कम करके रखी थी वो लड़की ने यार। हम लोग कुछ नहीं करते थे, भेड़े उठते आके बंदूक खड़ी कर देती थी। हाय बॉयज, अरे तेरी व्हाट यू थिंक यू कैन हैव सो मच फन विदाउट मी? ये तो बहुत हॉट लग रही है। ये वही है रे, यू नो आई लव माय गन बैकस्टेज बट आई एम लाइक डाइंग टू शूट समबडी। भाग जाना चाहिए यहां से। Huh? Where are you going? उतर वेट डोंट उतर। ओके हेलो अरे गाइस आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द ट्रेलर या कम इफ यू शो समथिंग एल्स वी विल कम। Oh, don't make me get my gun. मुझे अभी शर्म आ रही है। Okay, guys, this is us here. Yeah. Guys, yeah, are you ready for the trailer? Lauren and. Huh? Are you ready for the trailer? Come on, guys, give us a shout, please. मेरी आवाज गई है, तुम्हारी तो नहीं गई है. Thank you. अच्छा, मेरी आवाज गई है, आप लोगों की नहीं गई. Please. Gottlieb. Oh, so British. Yes, thank you. तो हम प्रोमो चालू कर देते हैं। Yeah, let's do it. Let's see. Good idea. Yeah, ये. We are now open for the Q&A by the media. Thank you. Lovely. Sisodia from Makrana Magazine से. कैसे हो आप? Yeah. आप दोनों USA क्यों जाना चाहते हो? तुमको नहीं जाना है? मैं ना कभी लाइफ में यूएस गया नहीं हूँ, तो मेरा बहुत मन था बचपन से। और समी जो मेरे फ्रेंड है फिल्म में, वो प्रॉमिस किया कि मुझे बोट में ले। और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना 3 बार भाई, क्योंकि मेरा नाम केदार पटेल है। तो इट इज़ नॉट फेयर। वासु जी, फिल्म का टाइटल वेलकम टू कराची रखने का रीज़न क्या है? इधर कराची में पिक्चर बनानी थी। उमर हो गए ना, इसलिए यहाँ देख रहा हूँ। अर्शद जी कहाँ हैं आप? अरे हाउ आर यू? अरे नो इम्प्रूवमेंट आई स्वेयर ऑन गॉड। ही इज इत्तेफाक या व्हाट द फक? जी ही इज इत्तेफाक या व्हाट द फक? आई एम व्हाट द फक। सो व्हाट इज इट व्हाट द फक ऑल अबाउट? व्हाट द फक इज द नेम? हाउ डिड हाउ वाज इट कंसेप्चुलाइज्ड? इसके लिए बहुत सोचना पड़ा। वी वेंट टू हिमालय एंड टुक अ लॉन्ग टाइम, कपल ऑफ आवर्स डाउन द लाइन। सिली क्वेश्चन, next. No, but it was this genius idea came from Arshad sir, and I think it was a very very good idea. Okay, yeah, Arshad sir, yeah, aap sari team ko congratulations. Thank trailer bahut hi acha hai, bahut hi funny hai yahan pe. Thank you. Okay, mera question pehle aapse Arshad ji, aapne pehle bhi Kabul Express ki hai, which was also based on Kabul, aur fir Filmistan bhi recently aayi thi, to ye movie kitni alag hai? Bahut alag hai, bahut farak hai. Bol rahe ho sir? बहुत फर्क है। सी समय ना वो सबका अपना अपना स्पेस होता है। दिस इज़ ह्यूमर, एब्सोल्युटली फनी, हिलेरियस। सो इट्स इन दैट स्पेस जहाँ पे कोई बड़ी बात बोलने की कोशिश नहीं की गई। इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स फन। काबुल एक्सप्रेस वाज पॉलिटिकल, इट वाज वेरी हैवी। सो दिस इज नॉट, सो ग्रेट फन, एंजॉय योरसेल्फ। देयर इज अ वेरी डीप मैसेज इन द फिल्म व्हिच अर्शद सर फॉरगॉट टू मेंशन। इट्स सो डीप दैट आई कुडन्ट फाइंड इट। But the deep message is that do not be serious in life. एक मिनट, जैकी, मेरा सवाल आपसे है कि इस फिल्म पे इससे पहले अर्शद जी के साथ इरफान खान उन्होंने थे, लेकिन अभी आप आ गए। फिल्म? जी जी, मूवी में छाले ऐसा ज़ुबान पर क्या करें? जैसे आपका गला खराब है, मेरे को छाले। मेरा गला खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है।
ओके तो आपने इरफान खान को रिप्लेस किया था, तो अब आप आर यू हैप्पी दैट यू गॉट दैट पोजीशन कि आप? देखिए पहली बात तो आई फील इरफान सर इज अ सुप्रीम एक्टर, तो मैं उनको कभी रिप्लेस कर नहीं सकता. आई एम अ रियली बिग बिग फैन. एंड वन सेकंड, आई हैव टू से दिस, एंड दिस वाज प्रिंटेड इन मुंबई मिरर. आई नेवर सेड इरफान वाज अ बेटर चॉइस और ही शुड हैव बीन इन द फिल्म. नो, आई सेड इरफान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर. आई वांट द फिल्म. ओ बेचो. आई सेड जैकी मेक्स द फिल्म. सुबह से ये सोच रहा हूं. सो आई सेड दिस इज क्रैप. And I never said that Lauren is not the hero of the film. So Mumbai mein Roshmila, I'll whip your ass now. Katti. Agla question. It's okay. Jackie. I like you, yaar. Hi, Jackie. लगता है अभी तक आप अपने किरदार में ही हैं. कहाँ पे? सर, मैं इतना घुस चुका हूँ कि अभी निकलने में थोड़ा टाइम. नहीं, मैडम. सीधा पार्ट टू के बाद निकलेगा. मेरी आंखें खराब हो गई लगता है डैड आपकी तरह. मैम, ऐसा लगता है कि मैं बहुत और प्रॉब्लम हो रही है. बच्चा कुछ ही नजर तो होगी. व्हाट इज द क्वेश्चन? हरी आप क्या हो रहा है? आप लोग अभी तक अपने किरदार में ही हैं. कौन? जैकी. जैकी बिकॉज़ वो किरदार में था, इसीलिए तो लिया उसके पिक्चर में. अरे थैंक गॉड मुझे उसके लिए लिया है, नॉट बिकॉज माय सरनेम इज द सेम. इट हैज बीन क्लेरिफाइड. ही वाज ऑलवेज इन द कैरेक्टर दैट आई टुक इन द मूवी. अर्शद, कितना एडिट किया इसका, इसके डायलॉग्स? किसके? जैकी के. जैकी के डायलॉग एडिट मैंने. हाँ. जो बच्चे कुछ मेरे पास थे चार, उसमें से ढाई ने ले लिए. क्योंकि मेरे को ये एक्चुअली आशीष है ना डायरेक्टर हम लोग का, ये चाहता था मैं तुषार ने जो गोलमाल में किया ना, ये चाहता था मैं वो करूँ. हुआ कर रहा था. वाशु जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म? इट लुक्स रियली वेरी गुड. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो आपको अच्छी लगी मैं सबको अच्छी लगेगी, इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है. आशीष, हाय. दिस साइड आशीष. आशीष, या दिस साइड फरीदून फ्रॉम बोरनगामा. फरीदून, सो यू हैव टू सिंग फॉर अस, प्लीज. ओके आशीष, फैंटास्टिक प्रोमो, इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड. थैंक्स अ लॉट. द डायलॉग्स आर हिलेरियस. ऑडियंस को भी अच्छा लगा. आई थिंक ब्रजेश हिरजी हैज रिटन द डायलॉग्स फ्रॉम व्हाट आई बिलीव. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव शॉट द फिल्म प्राइमरली इन यूके एज वेल एज इंदौर. Now, a film which is primarily about Karachi, do you think that there will come a day that one can actually shoot a movie in Pakistan and the cultural differences should not be just coming in between the political jingoism that we have somehow? But you've seen the promo, did you feel like there was something? Yeh intelligent question usse mat poochha. Main bilkul samajh nahi aata. Actually, main aisi film mein banata hoon. Arshad, if you'd like to say, please. Ashish, I'm just joking. No, that's why. You have to understand me. You saw the promo, once you'll see the film, you'll get to know. हम लोगों ने वी वर्क वेरी हार्ड ऑन इवन व्हेन वी शॉट इन लंदन. जो भी हम लोगों ने लंदन में भी शूट किया, यू वोंट गेट टू नो दैट वी शॉट इन लंदन. सी आई डोंट फॉर द फैक्ट नो दैट दिस शुड हैपन एंड दैट शुड हैपन इज ऑल आवर डिजायर. कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. पाकिस्तान इंडिया शुड बी टुगेदर. वी शुड बी एबल टू शूट देयर. देयर पीपल शुड कम इनसाइड. ये सारी बातें वी ऑल वॉन्ट एंड द पीपल वॉन्ट इट. द फैक्ट इज द पोलिटिकल पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स इज सो हैवी दैट वॉट वी वॉन्ट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. तो जब तक योर पीपल रन द कंट्री don't change their attitude, nothing is going to happen. Rest of the conversation is bullshit. What we want and what we desire is of no consequence. And Bashuji, we want to shoot in Welcome to Antarctica. Ne? And I think Bashuji, you are having a promotional exercise in Lahore and Karachi for the movie? Yeah, unhone invite kiya hai. Abhi hum log plan kar rahe hain kab jaye. Because abhi aaj pehla din promotion ka hai. To aane wale 45 days mein plan karenge kab udhar pahunchna chahiye. Because unhone humko official letters bheje hain. कि आप प्लीज आइए हमारे यहाँ शूटिंग भी करिए और प्रमोशन भी करिए. अभी आपका सवाल उसमें पूरा हो जाता है. इट विल बी रिलीजिंग इन पाकिस्तान एज वेल. 100%. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट जैकी रिप्लेसिंग इरफान खान. वर देयर एनी चेंजेस इन द प्लॉट दैट यू हैड टू मेक बिकॉज दे आर एक्टर ऑफ टू डिफरेंट लेवल्स? एज इन यू मीन आई एम टॉलर और शॉर्टर? यू आर अ यंगर एक्टर, ही इज क्वाइट अ सीनियर एक्टर. एक्चुअली दैट क्वेश्चन यू शुड आस्क अर्शद सर, आशीष एंड डैड. If anyone can answer that. I think one had to do that, obviously, because once your actor changes, then there has to be a certain dynamics. You have to change that, because otherwise it's not possible. Irfan was a more mature actor. Jackie is a way younger actor. Jackie brings a whole amount of youth in the film. So one had to incorporate that in his performance, in his character, which is obvious, a natural thing. Hi, Jackie. Jackie, Alok here from OAFM. Alok, आपके राइट. हाउ आर यू? हाय हाय, आई एम गुड. मेरा सवाल है, लला लला लोरी वाला गाना है तो चार बज गए की का तोड़ फाइनली आपको मिल गया है, उस तरीके का गाना एक वापस आ गया है? मैं चार साल से रुका हूँ इसके लिए. प्लीज बताएं इस गाने के बारे में एंड
किस तरीके से उसका तोड़ आया है। रोचक कोहली यहाँ बैठे, जब मैं छोटा था बड़ी शरारत करता था, रोचक कोहली जिन्होंने म्यूजिक दिया है, वेरी द वेरी टैलेंटेड रोचक कोहली एंड ये बेसिकली ललबाई था और बचपन में मैं सुनता था। तो उसके बाद सर आप बताओ, ये बचपन से आज तक सुन रहे हैं, खाली उसके अंदर की दूध से शराब हो गया, ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ। नहीं, आशीष का एक नेफ्यू है, तो आशीष ने नेफ्यू को गाना सुनाया लला लोरी दारू कटोरी, तो वो कहता है नहीं चाचू ये गाना रॉन्ग है। तो आशीष है क्यों रॉन्ग क्यों है, कहते नहीं लला लोरी दूध की कटोरी होता है, ये गाना मैंने सुना। तो आप सर दो शब्द कुछ गा के लाइफ में। Please. I think Vishal Dadlani has sung the song, so he's sung it with real good attitude and बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, so I'll try. करती मम्मी शाम को गलती आ जाना, छोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आती तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी, अब मैं छोटा बच्चा नहीं बेटा पिता नहीं, घड़ी में 7 बजे है वान दारू दी कटोरी। So since coming to India, everything's new to me. The films I'm seeing it all for the first time. I'm meeting people, I'm seeing actors and understanding their work and what they've done in the past 10 years? 20. 18 years. So, you know, Arshad sir, being a extremely actor, talented comedian, dancer, choreographer. Really good, Majo. Super awesome big actor. Fan. And Jackie at the same time, he's been helping me all along. So, I mean, everybody up here, Vashu sir, Ashish, everyone has really helped me with this. And it's a new space for me, like you said, out of why are you talking like an the Indian? ABCD. I do now. I'm a very confused accent. Talk like that. Talk normal. This is normal. But I must, I must I say anymore. She's become so Indian at heart. She's become so Indian at heart that she came to Indore to shoot. And do you remember that? She came to Indore to shoot and she was like, oh, so there are foreigners also in this song? Dude, I forget I'm a foreigner now. Like, my English is messed up. Yeah. you know. But I do, I feel half Indian. Hum log achche achche ko tabah kar sakte hain. Itna power hai hum log. Indian, America kya tum? Kisi ko bhi bhej do. Hi, Ravi Gupta here. My question is to Arshad. What's your center? Sorry, I didn't get you. Where are you? आपके सामने अर्शद, अभी आपने मुंबई मेरर इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, सफाई की जी तो उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि आप जो रीशूट हुआ है जो प्रमोशनल सॉन्ग उससे आप अनहैप्पी भी हैं। नहीं नहीं, मैं मेरे कोई इमोशन ही नहीं मेरे में। सो वी जस्ट वांट टू नो 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 सिनेरियो बिहाइंड इट। आई टेल यू व्हाट इट इज, आई हेट पैचवर्क प्रॉब्लम, आई हेट पैचवर्क, आई लाइक टू फिनिश द मूवी और पैचवर्क ना एवर एनी एक्टर, इट्स अ प्रॉब्लम। So anyway, so I have to do 3 days of patchwork. All of us have to do actually. So which is a bit of a bummer, but I guess we have to do. Yeah, like working. मेरा सवाल वासु सर से भी है। सर, जो वेलकम टू कराची लिखा हुआ है उसके नीचे कन्फ्यूजन अहेड भी है, तो क्या आपको लगता है कि कराची के लोग काफ़ी ऑफेंड भी होंगे इस तरह के जो मैं क्लियर कर दूँ, ये कन्फ्यूजन ये है एक्चुअली, इन दोनों के बीच में फिल्म का वो रीज़न है। कराची को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ये इनको दोनों को कंफ्यूज कर रही है। बहुत डीप बात कही है। एक सेंसिबल सवाल कोई तो पूछ लो, इतने सारे लोग यार। जैकी हियर, सोनिया हियर। हाउ आर यू सोनिया? हाय, वी ऑल नो लॉरेन इज अ वेरी गुड डांसर, वाज इट डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू टू ओके? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू बी शाय, हालत खराब हो गई। शी मेड मी लुक लाइक अ फुल, मतलब जो डांस करती है लॉरेन, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शी इज द बेस्ट डांसर इन द कंट्री। Look like a complete loser in front of her. But you know, she tried to underplay as much as she can so that we can look good. I'm also a teacher at heart. I've been doing dance for so long. So there was one time that, you know, they wanted you to jump in a song and last minute he's learning steps. So I'm like trying to like teach it to him. But in the reverse, they were helping me with my scene. So
we're playing off of each other. Jackie? Arshad, aap kya kahenge? Aapke liye kitna difficult tha Lauren ke saath steps match karna? Actually, kya hota tha ki jab iske saath performance hoti thi, to main zyada request karta tha ki mujhe baith ke dekhne de yaar. To main baith ke dekhta tha. Kamaal hai yaar. See, the point is ki you can't compare. Ye professional hai. She has given her life to dancing. There is no way we, or I would say anybody in India, can compare to her talent, right? So there's no point trying to even go in that direction. So you sit and you watch. And you say, wow, damn good. Just the way Jackie. She did with my acting. Also, Arshad, Jackie, aap sabhi ek aur cheez ki opinion chahenge hum log. Net neutrality ki baat ki ja rahi hai. Try internet service providers ko, matlab, ye dekhte hain ki जो नेट न्यूट्रलिटी जो भी आप नेट पैकेजेस लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे और काफी सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं आपका क्या कहना है इस पे एआई भी नहीं इवन आई थिंक मैं इस चीज को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं बिकॉज़ नेट यू नो इन्वेंट हुआ था बिकॉज़ इट वाज अ फ्री स्पेस फ्री फॉर ऑल ये सब इक्वल हैं तो आप मुझे बता नहीं सकते कि मुझे अगर 500 रुपए है तो मैं किस पे खर्चा करूं और किस पे नहीं ये पूरी यू नो ये मेरा चॉइस होना चाहिए और मैंने अपने टीम से भी कहा है कि सर्विस इंटरनेट जो जिन्होंने what is that term called? I forgot. Save the internet. Sorry, save the internet. को contact करें और मैं किसी भी तरीके से अगर उनके साथ जुड़ सकता हूँ छोटे पैमाने में तो मैं जरूर चाहूँगा. So I totally support this cause. Arshad, आप इस पर अपनी opinion देना चाहेंगे? I totally agree with Jackie. What he says. Jackie, here to your left. Hi. Jackie, nice trailer. The word, thank you. Yeah. The word "what the fuck" is openly used. Was it difficult convincing? It's what the fuck. Okay, so. आप बहुत गलत सोच रहे हो. अच्छी बात नहीं. Very bad. Did the censor board object to this or? No, it is. अरे, it's इत्तफाक and what the fuck. आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? मैं समझा नहीं. For the first time I saw that in the script, I was I'm sorry. I'm a little lost. Is it something wrong? Huh? Did you enjoy it? Just keep quiet and enjoy it. Can we have question a last question now? Yes, मुझे आप पर फकर है. When you're enjoying yourself, don't question it. Just one last question for now. There was only competition in the gym. 100 meters. I'm not even track किया था उसके में थोड़ा दो. नहीं यार, I don't do that. I can't do that. और अगर competition होता भी, honestly, तो I can't come close to him also. मतलब चलो अब बोल ही रहे तो बोल दो और थोड़ा और बोल दो. नहीं वो तो सच है ना, उसमें मतलब झूठ की क्या बात है. मुझे कम से कम और 10 साल लगेंगे 5 साल लगेंगे टू इवन कम क्लोज टू. ओके, नाउ आई एम एम्बैरस्ड एंड वी कैन नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. So are you looking forward to Mr. Hirani's reaction to that particular scene? See, that's what happens when you have good friends and you take advantage of them. You take advantage. Raju, अच्छा दोस्त है, ले लो बिचारेगी. That is what it is. I'm sure he'll see the film. And see, Raju's got a good sense of humor and he's quite a sporting guy. So it's absolutely fine. I think he's absolutely cool. But you learn so much from his films, you know, in the sense. It just, मतलब the moral of the story is always have a vacuum cleaner at home. Jackie's trying to cover up, but जाने दे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं. हमने, we've done it. It's out, it's filmed.